खबर पिहोवा हरियाणा से है। पिहोवा में शिवसेना हिंदुस्तान के बैनर तले सरकार के खिलाफ दिया गया एक दिन का सांकेतिक धरना, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां व धार्मिक संस्थानों ने भाग लिया। सभी दलों ने इस दौरान यह निर्णय लिया कि अगर सोमवार तक पुल बनाने के बारे में सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो सोमवार से धरना सुचारू रूप से अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाएगा। प्राइम बी की न्यूज चैनल के लिए पिहोवा से कुलवंत सिंह की एक खास रिपोर्ट। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 3 महीने से पेवा की लाइफलाइन कहे जाने वाले अंबाला रोड का जो ट्रेन का पुल है वो बंद किया हुआ है प्रशासन ने। हालांकि हमने उससे पहले भी बहुत बार चेतावनी दी थी भी इस पुल का जो है वो पुनः नवनिर्माण करवाया जाए, लेकिन प्रशासन ने सरकार ने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। और जब ये पुल जो है वो बिल्कुल बैठ गया है और प्रशासन ने इस पे बोर्ड लगा दिया है भी ये जो पुल है ये बैठ गया है, इस पे आवाजाही जो है वो बंद है, इसी को लेके पेवा शहरवासियों के साथ हमने पिछले फरवरी महीने की 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी के नाम पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें हमने मुख्य रूप से 2 मांगे रखी थी। पहली मांग तो थी कि जो ट्रेन का पुल है इसको डिसमेंटल करके जल्दी टेंडर लगा के इसको नया बनाया जाए, और उतनी देर तक जो हमारी दूसरी मांग थी वो ये थी कि टेम्परेरी तौर पर अस्थायी तौर पर यहाँ लोहे का पुल जिसे बैली ब्रिज कहा जाता है वो लगाया जाए। उस दिन एसडीएम साहब ने हमें 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में यहाँ बैली पुल जो है वो लग जाएगा। उसके बाद से आज लगभग ये बात को हुए 1.5 महीना हो गया है। हमारी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौखिक तौर पे बात हुई है, उन्होंने हमें हमेशा आश्वासन दिया है कि 2 दिन में लग जाएगा, 4 दिन में लग जाएगा। और अगर हम अपने यहाँ के राजनेताओं की बात करें उसमें हमारे सांसद नायब सैनी जी हैं और हमारे हलके के विधायक और मंत्री संदीप सिंह जी हैं, वो भी पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि भाजपा बहुत तेज गति से विकास कार्य करवा रही है, लेकिन हमें तो वो कहीं विकास कार्य मिला नहीं। उन्होंने बार बार मीडिया के माध्यम से, बल्कि मंत्री जी तो यहाँ पुल का दौरा भी करके गए, उन्होंने कहा भी जल्द ही 11 करोड़ रुपए हमने मंजूर करवा दिए और पुल का जो है टेंडर लग जाएगा। और पीछे भी मैंने मंत्री जी की वीडियो सुनी थी, उसमें वो कह रहे थे कि अस्थायी तौर पे यहाँ ब्रिज जो है वो उसका निर्माण जो है वो 2-4 दिन में कर दिया जाएगा, लेकिन उस बात को भी आज हफ्ता से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक यहाँ अस्थायी तौर पे लोहे का जो ब्रिज है उसकी कोई कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू नहीं हुई। और आज हम सारे शहरवासी, क्योंकि पिछले लगभग 3 महीने से ये पुल बंद है और यहाँ दुकानदार जो हैं ड्रेन पार के और इधर वाले वो भी बहुत परेशान हैं, उनके काम धंधे जो हैं वो ठप पड़े हैं। उसके अलावा शहरवासी और जो इधर के गांव के लोग हैं वो भी परेशान हैं, उनको लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर से घूम के शहर में आना पड़ता है, जिससे शहर में बहुत ही जाम की स्थिति रहती है। और आपने तो देखा होगा कि पिछले हफ्ते मेले में भी जितने भी श्रद्धालु पंजाब और हिमाचल से आए उनको पीछे अपनी गाड़ियां खड़ी करके और यहाँ पैदल आना पड़ा, बहुत ही असुविधा का माहौल जो है वो मेले में भी देखने को मिला। तो हमारी प्रशासन से ये पुरजोर अपील है और हम सरकार तक, मुख्यमंत्री जी तक और हमारे सांसद जी और मंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पुल का नवनिर्माण करवाया जाए और उतनी देर तक अस्थायी तौर पे शहर वासियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ अस्थायी तौर पर पुल का निर्माण करवाया जाए। और आज तो हम धरने पे बैठे हैं, आज हमारा सांकेतिक धरना है एक दिन का, तो अगर सरकार ने, प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी, इस पे गौर नहीं करा, तो हम आइंदा कोई बड़ा फैसला भी शहर वासियों को साथ लेके कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ जो बैठे हैं लोगों ने कहा कि अगर सरकार पुल नहीं बनाती तो हम चंदा खुद इकट्ठा करके इस पुल का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 3 महीने में भी सरकार ने यहाँ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करी, अगर सरकार के पास फंड की कमी है तो हम हमारे पेवा शहर में और पूरे इलाके में हम अपनी झोली पसारेंगे, भाई सरकार के पास तो पैसे की कमी है, सरकार के पास पैसे नहीं है, और हम चंदा जनता का इकट्ठा करके, शहर वासियों का इकट्ठा करके, और उसमें हम सहयोग लेंगे कार सेवा का भी, और यहाँ पुल का जो है वो निर्माण करवाएंगे।